हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहन वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजीए क्रिएशन में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स बिगिन। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 500 BC हमारे इंडिया के गुजरात में एक महर्षि हुए थे जिनका नाम था महर्षि कनद। उन्होंने अपनी एक फिलोसॉफी दी थी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के टुकड़े करते जाएं, अगेन एंड अगेन टुकड़े करते जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद में उस सब्सटेंस के और अधिक छोटे टुकड़े करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसे महर्षि कनद ने परमाणु नाम दिया। और लगभग इसी समय ग्रीक में एक फिलोसोफर हुए थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस। उन्होंने भी सेम थ्योरी दी थी कि अगर किसी सब्सटेंस को अगेन एंड अगेन बार बार ब्रेक किया जाए तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल प्राप्त होगा जिसे और अधिक ब्रेक नहीं किया जा सकता। उस पार्टिकल को डेमोक्रेटस ने नाम दिया था एटम। एटम शब्द का जन्म ग्रीक भाषा के एक शब्द एटोमियो से हुई है जिसका मतलब होता है इनडिवाइसिबल। इट मींस हम कह सकते हैं कि एटम का मतलब होता है इनडिवाइसिबल। इट मींस एटम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट महर्षि कनद और डेमोक्रेटस ने जो कहा वो उनकी सिर्फ एक फिलोसॉफी थी, उसे प्रूफ करने के लिए उनके पास किसी तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। सो ये सिर्फ एक फिलोसॉफी ही बनकर रह गई। इसके बाद 1808 के अंदर एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर एक थ्योरी दी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। उस थ्योरी के आधार पर इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। इन्होंने जो नियम बनाए उन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इट मीन्स जितनी भी मैटर होती है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिया। नेक्स्ट है, एटम्स आर इनडिवाइसिबल। इट मीन्स एटम्स जो होते हैं वो इनडिवाइसिबल होते हैं, मतलब उन्हें डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स अगर कोई वन एलिमेंट है तो उसके सभी पार्टिकल्स का मास, उनकी साइज एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक समान होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स अगर टू डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो उनके मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मतलब बिल्कुल अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, एटम्स नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस, दे आर ओनली रीअरेंज्ड। इट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही एटम्स बनते हैं और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। एटम्स केवल रीअरेंज्ड होते हैं, मतलब उनको उनका जो अरेंजमेंट है, मतलब उनकी जो पोजीशन है सिर्फ वो चेंज होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड व्हेन दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। इट मींस अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंपाउंड बनाते हैं जब वो एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। सो ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। हालांकि आगे चलकर ये थ्योरी फेल हो गई बहुत सारे कारणों से, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस के अंदर, और यही से शुरुआत हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने की। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इनडिवाइसिबल, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अगले कुछ सालों में ऐसे साइंटिस्ट हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च की, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनसे ये साबित हुआ कि एटम्स इनडिवाइसिबल नहीं है,
उसको भी डिवाइड किया जा सकता है। मतलब एटम्स को जब डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सो बेसिकली एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इनकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे.जे. थॉम्सन को, प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है यूजेन गोल्डस्टीन को, और इसी तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय भले ही जे.जे. थॉम्सन को जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अचानक ही नहीं हुई थी, इसमें कई साइंटिस्ट का योगदान है, जिसकी शुरुआत होती है माइकल फेराडे के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। माइकल फेराडे ने डिस्चार्ज ट्यूब पर कई एक्सपेरिमेंट किए थे। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर जो गैस भरी होती है उसे हम वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकालकर ट्यूब के अंदर एक लो एयर प्रेशर बना देते हैं। इसके सिरों की तरफ 2 इलेक्ट्रोड्स होती है जिन्हें हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ होता है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा रहता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा रहता है उसे हम कैथोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है तो कैथोड से कैथोड रेज निकलकर एनोड की तरफ जाती है, बट ये इनविजिबल होती है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एनोड को परफोरेटेड बना देते हैं। इट मींस एनोड के अंदर छोटे छोटे छेद कर देते हैं और एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड की एक परत बना देते हैं। इसका क्या वर्क होता है कि जब कैथोड रेस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती है तो फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इससे कैथोड रेस टकराई है। कैथोड रेस की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कैथोड रेस स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रेस कैथोड से जनरेट होती है, कैथोड से प्रोड्यूस होती है और मूव करते हुए एनोड की तरफ जाती है। कैथोड रेस आर इनविजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड विच ग्लो व्हेन कैथोड रेस हिट बाय देम। कैथोड रेस इनविजिबल होती है बट कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे जिंक सल्फाइड जिन्हें हम फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं, उनकी मदद लेकर हम लोग इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती है तो फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ग्लो जनरेट करता है। कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेस जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की एब्सेंस में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैथोड रेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। नेचर ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स। तो इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई, और कैथोड रेस की जब प्रॉपर्टीज को डिटेल से जाना गया, डिटेल से स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो ये थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, और जानेंगे कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। सो हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।